रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आएगा। राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिली है। उसकी 21 दिनों की फरलो मंजूर कर ली गई है। जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम जा सकते हैं। 2017 में सजा सुनाई जाने के बाद से अब तक राम रहीम 7 बार जेल से बाहर आ चुका है। इस साल अब तक 2 बार जेल से बाहर आ चुका है और ये तीसरी बार ऐसा होगा जब राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकलकर सांस लेगा। पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को ऐसा हुआ था जब राम रहीम को 24 घंटे के सीक्रेट पैरोल पर जेल से बाहर निकाला गया था। राम रहीम की ये पैरोल इतनी गुप्त थी कि पूरे हरियाणा में सिर्फ 4 लोगों को इसकी जानकारी थी। दूसरी बार 21 मई 2021 को राम रहीम को महज 48 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली थी। इस दौरान राम रहीम अपनी बीमार मां से मिलने गुरुग्राम गया था और तब वो मानेसर के फार्म हाउस में रुका था। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को राम रहीम जेल से बाहर निकला था। इस दौरान राम रहीम 21 दिन के लिए जेल से बाहर आया था। जेल से निकलने के बाद गुरुग्राम के आश्रम पहुंचने पर पुष्प वर्षा कर अनुयायियों ने स्वागत किया था। इसके बाद चौथी बार जून 2022 में राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दी गई थी। इस बार वो अपने बागपत के आश्रम में गया था। पांचवी बार अक्टूबर 2022 में भी राम रहीम को पैरोल दी गई, जिसमें वो 40 दिन तक जेल से बाहर रहा था। छठी बार 21 जनवरी 2022 को भी राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। ये पैरोल डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए दी गई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में राम रहीम के हार्ड क्रिमिनल नहीं होने का हलफनामा दिया था। सातवीं बार 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल दी गई। जेल प्रशासन ने राम रहीम को सिरसा डेरे में जाने की इजाजत नहीं दी थी और वो फिर यूपी के बागपत में स्थित बरवाना आश्रम में रहा था। अब ये आठवीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आएगा और खुली हवा में सांस लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।